हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ मैक्रे मिरर का ये डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। आई होप आपको ये डिज़ाइन ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही बेल बटन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाने का तरीका। इसको बनाने के लिए मैंने रेड और क्रीम कलर की मैक्रेम ली है और एक 2 इंच का राउंड रिंग लिया है और एक 10 इंच का मिरर लिया है और उसी के साइज का यानी कि 10 इंच का राउंड मिरर लिया है। व्हाइट और रेड कलर के बीड्स और बेल्स लिए हैं और एज यूजुअल लाइटर और सीजर। सबसे पहले हम 8 कोर्ड्स कट करेंगे, 4 कोर्ड्स हम क्रीम कलर की और 4 रेड कलर की, और सभी 4-4 मीटर की कट करेंगे। और 2 इंच का राउंड रिंग हम लेंगे और उसमें हम क्रीम कलर के कोर्ड्स को इस तरीके से अटैच करेंगे और एक साइड से हम पाइपिंग लाइन बनाते हुए इस रिंग को कवर कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से कोर्ड्स को रिंग के ऊपर से एक बार ऊपर से क्रॉस करना है और एक बार नीचे से क्रॉस करना है और इस तरीके से हम इसमें नोट लगाते जाएंगे और इस रिंग को कवर कर लेंगे। रिंग को कवर करने के बाद हम एक और क्रीम कोर्ड्स इस तरीके से इसमें इसके बीचों बीच अटैच करेंगे और इन 4 कोर्ड की हम सिंपल स्क्वायर नोट लगा देंगे। उसके बाद हम 2-2 कोर्ड्स को दोनों साइड में रखेंगे और फर्स्ट वाले कोर्ड के ऊपर हम इस तरीके से पहले रेड कोर्ड को, फिर क्रीम कोर्ड को और फिर से रेड कोर्ड को इस तरीके से डबल करके अटैच करेंगे और ये कोर्ड भी हम 4-4 मीटर की ही अटैच करेंगे इसमें। और इस तरीके से हम 2-2 बार क्रॉस करेंगे और दोनों साइड में इसी तरीके से कोर्ड्स को अटैच कर देंगे। कोर्ड्स को अटैच करने के बाद हम सेंटर वाली 2 कोर्ड्स को फिर से दोनों साइड में रखेंगे और फिर से हम इस तरीके से पाइपिंग लाइन इन सभी कोर्ड्स की इस कोर्ड के ऊपर बना लेंगे। सेम उसी तरीके से दूसरी साइड वाली क्रीम वाली कोर्ड्स के ऊपर भी हम सभी कोर्ड्स की पाइपिंग लाइन बनाएंगे। उसके बाद हम सेंटर वाली 4 कोर्ड लेंगे और सिंपल स्क्वायर नोट लगाएंगे। यहाँ पे हम 4 सिंपल स्क्वायर नोट लगाएंगे 1 by 1 करते हुए। फोर नोट लगाने के बाद हम सेंटर वाली 2 कोर्ड को ऊपर से इस तरीके से क्रॉस करेंगे और ये जो हमने 4 नोट लगाई है वो ऊपर से क्रॉस होकर इस तरीके से यहाँ पे राउंड बूटी जैसा शेप ले लेंगे और उसके बाद हम नीचे भी एक सिंपल स्क्वायर नोट लगाकर इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे। उसके बाद हम 2 क्रीम कलर कोर्ड्स और 2 रेड कलर कोर्ड लेंगे और इन सभी की हम इस तरीके से सिंपल स्क्वायर नोट लगाएंगे। सेम उसी तरीके से दूसरी साइड से भी हम 4 कोर्ड उठाएंगे और सिंपल स्क्वायर नोट लगा देंगे। ये हमारा सेकंड राउंड है और थर्ड राउंड में हम कॉर्नर से 4 कोर्ड उठाएंगे और जो हमने ये सेंटर में बॉल जैसा शेप दिया है 4 नोट लगाकर, सेम उसी तरीके से हम दोनों कॉर्नर पे भी बना लेंगे। ये देखिए, सेंटर में हमने एक और नोट लगाई है थर्ड राउंड में और साइड से हम इस तरीके से 2 रेड कलर की और 2 क्रीम कलर की कोर्ड उठाएंगे और लगातार हम यहाँ पे 4 नोट लगा देंगे। और 4 नोट लगाने के बाद हम सेंटर वाली 2 कोर्ड को ऊपर से, यानी कि जो हमारी फर्स्ट वाली नोट है, ऊपर से क्रॉस करेंगे और नीचे ले जाते हुए अच्छे से सिंपल स्क्वायर नोट के साथ हम टाइट कर देंगे और इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी यही डिज़ाइन बनाएंगे।
दोनों साइड में इसी तरीके से हमने ये डिज़ाइन बना लिया है। उसके बाद हम इनके साइड से हम फोर नोट उठाएंगे और सिंपल स्क्वायर नोट लगा देंगे। उसके बाद हम साइड से दो कोड छोड़ देंगे, उनको नहीं उठाना है, और सेंटर वाली हम फोर कोड लेंगे और उन सभी फोर कोड की हम उसी तरीके से फोर नोट लगाएंगे जैसे हमने ये तीन बनाई है। और ये डिज़ाइन भी हम बीच में इसी तरीके से बना लेंगे। एक जो ये हमारा शेप है, ये हमारी टुकड़ी बनेगी, जो उसमें हम इस तरीके की फोर बॉल बनाएंगे। और उसके बाद हम जिस तरीके से ऊपर से दोनों साइड से दो दो पाइपिंग लाइन हमने बनाई है, उसी तरीके से हम नीचे से भी पाइपिंग लाइन बनाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से फर्स्ट वाली क्रीम कोड हम उठाएंगे और हाफ कोड्स की इस तरीके से पाइपिंग लाइन बनाएंगे, फिर ऊपर वाली कोड उठाएंगे और फिर से हम इसी तरीके से पाइपिंग लाइन बना लेंगे और इस डिज़ाइन को हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम फोर कोड की इस तरीके से सिंपल स्क्वायर नोट लगाएंगे, जो हमारी सेंटर वाली क्रीम कोड है, और फिर सेम यही प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे। जिस तरीके का हमने ऊपर ये डिज़ाइन बनाया है, उसी तरीके के डिज़ाइन हम दो और बनाएंगे। यहाँ पे इस तरीके की तीन टुकड़ियाँ बनाकर हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने तीन टुकड़ियाँ बना ली है। उसके बाद हम साइड में फ्लावर शेप का डिज़ाइन बनाएंगे और उसके लिए हमने स्टार्टिंग में तीन एक एक मीटर की कोड कट की है और इस तरीके से डबल करके हम साइड से अटैच करते जाएंगे और तीनों को इस तरीके से वन बाय वन करके एक साथ में ऊपर से अटैच करना है। और अटैच करने के बाद हम ऊपर से फर्स्ट वाली कोड उठाएंगे और उसके ऊपर जितनी भी ये कोड है, पांच कोड है, उनकी इस तरीके से पाइपिंग लाइन बनाएंगे। जिसके ऊपर हमने पाइपिंग लाइन बनाई है उसको छोड़ देना है और आगे से फर्स्ट वाली कोड उठाएंगे और फोर कोड की इस तरीके से पाइपिंग लाइन बनाएंगे। और इस लाइन को फिनिश करने के बाद जिसके ऊपर हमने पाइपिंग लाइन बनाई है उसी को हम नीचे की तरफ फोल्ड कर लेंगे और फिर से इन फोर कोड की पाइपिंग लाइन बनाएंगे। और ये हमारी सेकेंड लाइन है और उसके बाद हम इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे, जिस कोड के ऊपर हमने पाइपिंग लाइन बनाई है, और फिर से पाइपिंग लाइन बना लेंगे। और उसके बाद थर्ड लाइन में हमने बीड्स को अटैच करना है और फिर से सेम इसी प्रोसेस से हम तीन पाइपिंग लाइन बनाते जाएंगे, एक बार नीचे ले जाएंगे कोड को, एक बार ऊपर ले जाएंगे और फिर से नीचे ले जाएंगे। उसके बाद लास्ट वाली जिसके ऊपर हमने पाइपिंग लाइन बनाई है उसको फर्स्ट वाली के ऊपर इस तरीके से पाइपिंग लाइन करके इसको जॉइंट कर देना है और ये इस तरीके से फ्लावर पत्ती जैसा शेप ले लेगी। और उसके बाद उसी कोड के ऊपर बाकी फोर कोड की पाइपिंग लाइन हम इस तरीके से करेंगे और ये हमारा फर्स्ट पार्ट बनके रेडी हो जाएगा।
उसके बाद हम सेकंड फ्लावर बनाएंगे, और सेकंड फ्लावर बनाने से पहले इन रेड कोर्ड्स को हम इस तरीके से कट करेंगे, फर्स्ट वाला छोटा, सेकंड वाला उससे बड़ा, और थर्ड वाला उससे बड़ा, इस तरीके से हम इनको कट करेंगे। और इनको कट करने के बाद हम हाफ हाफ मीटर की यहाँ पे 5 क्रीम कलर की कोर्ड्स अटैच करेंगे, इसमें लाइटर से इस तरीके से स्टिक कर देंगे, और उसी तरीके से हम फ्लावर बनाएंगे जैसे हमने ये रेड वाला बनाया है, इन कोर्ड का हम उसी प्रोसेस से फ्लावर बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। क्रीम वाला कंप्लीट करने के बाद हम सेम इसी तरीके से रेड वाला बनाएंगे, यानी कि पहले हमने रेड बनाया, फिर क्रीम बनाया, फिर से रेड बनाया, और इनको हम बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तीनों पार्ट बनाने के बाद हम इन बची हुई कोर्ड को भी हम इस तरीके से अच्छे से शेप देते हुए नीचे से इसको जॉइंट कर लेंगे, और इसको परफेक्ट राउंड शेप देना है ताकि ये फ्लावर का लुक आए इसमें, और इन कोर्ड्स को बैक साइड में ले जाते हुए हम अच्छे से नोट लगाकर लाइटर से स्टिक कर देंगे, और सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमने ये फ्लावर बनाया है दूसरी साइड भी इसी तरीके से बनाकर रेडी कर लेंगे। ये देखिए दोनों साइड से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद जो नीचे बची हुई कोर्ड है उसमें हम 10 इंच का राउंड रिंग इस तरीके से अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद हम रिंग को इस तरीके से ऊपर उठाएंगे और कोर्ड को नीचे रखेंगे, फिर मिरर को इसमें बीच में अटैच करेंगे, और मिरर के नीचे से हम कोर्ड को उठाते हुए और मिरर को बीच में रखते हुए रिंग के ऊपर से सभी कोर्ड को वन बाय वन करके इस तरीके से अटैच करेंगे डबल डबल टाइम, और इस तरीके से इस रिंग के ऊपर पाइपिंग लाइन भी बनती जाएगी, और इस रिंग को हम सेंटर में फिक्स कर लेंगे। ये देखिए रिंग को अच्छे से सेंटर में फिक्स करने के बाद हम 3 क्रीम कलर की कोर्ड लेंगे 1-1 मीटर की, और जो हमारी ऊपर वाली ये लीफ है यानी कि पत्ती है जो हमने ऊपर बनाई है उसमें इनको इस तरीके से डबल करके जॉइंट कर लेंगे, और तीनों को जॉइंट करने के बाद हम सेम इसी तरीके का डिज़ाइन बनाएंगे जैसे हमने ये रेड क्रीम और रेड साइड में हमने पत्तियाँ बनाई है, और इसी तरीके से हम एक एक क्रीम फिर रेड फिर क्रीम फिर रेड इस तरीके से कोर्ड्स को कट करते जाएंगे और इस तरीके की पत्तियां बनाते जाएंगे।
जब भी हम सेकंड वाली पत्ती बनाएंगे और जो ये हमारी साइड में कोड है जिस पर हम पाइपिंग लाइन बनाते हैं उसको हम रिंग के साथ जो हमारा 10 इंच का रिंग है उसमें से क्रॉस करके इसको जॉइंट करना है। और पहले हमने स्टार्टिंग वाली जो पाइपिंग लाइन है उसमें से इसको क्रॉस करना है, यानी कि वो पाइपिंग लाइन बनाने के बाद रिंग में से क्रॉस करना है, फिर सेंटर वाला पार्ट हमने बनाना है। और जब भी हम फर्स्ट और लास्ट वाले को जॉइंट करेंगे तो इसके ऊपर से क्रॉस करके ही जॉइंट करेंगे। इससे होगा ये कि जो हमारा साइड वाला मैक्रम का पार्ट है वो मिरर के साथ जॉइंट हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से फर्स्ट वाली को लास्ट वाली के साथ इस तरीके से जॉइंट करना है, इस तरीके से इसके साथ अटैच हो जाएगा। और हर एक पत्ती को हम इसी तरीके से जॉइंट करेंगे और दोनों साइड का ये डिज़ाइन बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। दोनों साइड का ये डिज़ाइन बनाने के बाद हम सेंटर से जो रिंग बचता है जितना भी गैप बचेगा उसको हम उसी तरीके से कवर करेंगे जैसे हमने ऊपर वाला रिंग कवर किया है। और इस तरीके से ये हमारा रिंग है बिल्कुल परफेक्ट कवर हो जाएगा। और जो हमने ऊपर डिज़ाइन बनाया है वो सेम डिज़ाइन हम नीचे बनाएंगे। पहले हम ये तीन टुकड़ियाँ बनाएंगे, फिर साइड में ये दो तीन तीन पत्तियाँ और ये फ्लावर बनाकर हम रेडी कर लेंगे। और फ्लावर बनाने के बाद हम जो कोर्स नीचे बचती है उनमें हम इस तरीके से बीड्स और बेल्स अटैच कर देंगे। उसके बाद हमारा ये मिरर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।